हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग बता दो कि सब लोग कैसे हो, सबका हाल चाल बढ़िया मस्त। सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो यार हम तो बढ़िया हैं और हम चाहते हैं यार सभी लोग बढ़िया हो और सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहो ना। अगर किसी का तो बढ़िया नहीं तो बढ़िया बनाओ, समझ रहे हो कि नहीं ना। चलो उम्मीद करते हैं सबका बढ़िया होगा और अगर जिसका बढ़िया नहीं होगा उसका बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, बस अच्छा सोचो तो अच्छा होगा ना। चलो तो सभी लोग ठीक हो, मस्त हो, होने भी चाहिए यार, क्या नहीं होने चाहिए ना। चलो देखो हम लोग चैप्टर फर्स्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं देखो उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हम हर एक टाइप के हर एक क्वेश्चन को लगभग सॉल्व करवा दिए हैं और करवा रहे भी हैं ना। तो उम्मीद करेंगे यार तुम लोग सारे लेक्चर को अच्छे से देख रहे होगे और सारे लेक्चर को अच्छे से समझ रहे होगे और पढ़ भी रहे होगे ना, और नोट्स भी बना रहे होगे। देखो नोट्स जरूर बनाना, हम देखो हर लेक्चर में बोलते हैं, कभी कभी अगर भूलना भूल भी जाते हैं ना तो इतना समझो कि जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं उसको सभी लोग एक जगह नोट्स जरूर बनाना। ठीक है, क्वेश्चन का एक जगह नोट्स बनाओ, फिर अगर तुम्हें लगता है सर उसके सॉल्यूशन का भी नोट्स बनाना तो सॉल्यूशन का भी नोट्स बना लो। ठीक है, और चीजों को अच्छे से पढ़ो, नहीं एकदम लाइन से एकदम सिक्वेंस से। चैप्टर फर्स्ट का इतना सारा क्वेश्चन तुम्हें हम करवा दिए हैं, प्रैक्टिस करवा दिए हैं, वन शॉट लेक्चर भी तुमको लेके दे दिए हैं। ठीक है, तो जितने स्टूडेंट हो देखो जिसको लगता है कि सर हम YouTube से पढ़ ले रहे हैं, YouTube से समझ ले रहे हैं, सर ठीक है हमको आ जाएगा, बोर्ड एग्जाम अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उन सारे स्टूडेंट को बोल रहे हैं जो लोग जिनको डाउट होता है, जिनको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है, प्रश्नावली में कोई क्वेश्चन फंस जाता है, नहीं आता है ना, और भी कोई जैसे कोई क्वेश्चन आ गया नहीं आता समझ में, तो लगता है सर टीचर होते तो बता देते, तो देखो उन सबसे बोलेंगे। ठीक है, देखो ये शिखर बैच है जिसका टारगेट 90+ है, जिसमें देखो हम लोग बहुत अच्छे अच्छे टीचर तुमको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सर सारे टीचर को तुम YouTube पे देख सकते हो, सब बेस्ट पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, तो तुम इस देखो शिखर बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस शिखर बैच को जब तुम ज्वाइन करोगे तो तुमको डेली लाइव क्लास मिलेगा, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो तुम पढ़ रहे हो तुम्हें आ रहा है नहीं, कितना आ रहा है वो तुम जानते रहो। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, तुमको इसमें हर एक चीज एकदम लाइन से एकदम सिक्वेंस से मिलेगा, हर एक क्लास का नोट्स, उसका PDF, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका बुकलेट, हर एक चीज मिलेगा। ठीक है, इस स्टडी मटेरियल में तुमको हर एक जो ये स्टडी मटेरियल है ना, इसमें तुम्हें हर एक चैप्टर का बुकलेट दिया जाएगा जिससे तुम उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और उसका क्वेश्चन भी लगा सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें कहीं भी कोई एक्स्ट्रा बुक कभी भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना तो गारंटी है। ठीक है, तुम कभी भी कोई बुक मत खरीदना, तुम्हें हर एक बुक यहाँ मिलेगा। जो तुम बुक में जो पैसा लगाओगे वो पैसा तुम बचा सकते हो और उसका यूज तुम कहीं और कर लो, अच्छे से यूज कर लो। ठीक है ना, और तुमको ये बैच बहुत कम फीस मिलेगा, जितना तुमको पता है तुम ऑफलाइन कोचिंग में जितना तुम 2 महीने में 3 महीने में दोगे इतना तुमको पूरे साल भर में मिलेगा, समझ रहे हो, पूरे साल भर का फीस होगा, तुम साल भर क्लास करो। ठीक है, हर चीज तुमको मिलेगा, प्रैक्टिस मिलेगा, प्रैक्टिस क्लास मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, हर एक चीज मिलेगा, वो भी घर बैठे, तुमको कहीं जाना नहीं पड़ेगा ना, तो अपना थोड़ा टाइम बचाओ। ठीक है, बकवास नहीं कर रहे, बहुत लोग सर जी बकवास कर रहे हैं, स्किप कर दिया जाए, लोगों समझा रहे हैं, समझ जाओ। ठीक है, बाकी तुम लोग की मर्जी, तुम लोग को जो अच्छा लगे तुम वो कर सकते हो। ठीक है, हम तो यही कहेंगे कि सब लोग देखो अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, बोर्ड एग्जाम है, अभी से देखो थोड़ा थोड़ा करना पड़ो। ठीक है, बहुत लोग सोच रहे हैं कि सर हम जुलाई से पढ़ेंगे, अगस्त से पढ़ेंगे, देखो जो लोग जुलाई से अगस्त से पढ़ेगा तब तक तुम क्या करोगे, अपना आधा तो कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो अगर तुम्हें लोगों से आगे निकलना है, बाकी सबसे आगे निकलना है, तो तुमको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, तुमको पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके तुम उन सबसे आगे निकल पाओगे ना। अगर सबकी तरह सोचोगे तो तुम आगे नहीं रह पाओगे। चलो आज देखो हम लोग चैप्टर फर्स्ट का जो चैप्टर फर्स्ट है ना, चैप्टर फर्स्ट जो संबंध एवं फलन है, इसका हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप करेंगे। ठीक है, वेरी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइप जो इसका क्वेश्चन आंसर होगा उसको सॉल्व करेंगे। सभी लोग रेडी हो, और अगर सभी लोग रेडी हो तो सभी लोग पहले एक कॉपी और एक पेन निकालो, हम क्वेश्चन दिखाएंगे, सबको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फटाक से। ये क्वेश्चन है, देखो अगर देखो किसी को देखो बैच ज्वाइन करना होगा तो परेशान हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो, सर कैसे बैच ज्वाइन करें, सर हमको बैच ज्वाइन करना है। देखो इतना सिंपल से बताया गया, देखो ये नंबर है 930-577-1375, इस नंबर पे कॉल कर लो, कॉल करके उस पर अपना बात जो भी तुमको बात करना है कर लो आराम से, कैसे बैच ज्वाइन करना है, कब होगा, कब क्लास होगा, हर एक चीज को अच्छे समझ लो। ठीक है, बस हम ये कहेंगे टाइम वेस्ट मत करना, जो काम करना है जल्दी करो, जो काम बाद में करना है हमको पता है करना ही है तो पहले से कर ले, थोड़ा 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 करके हमको सब कुछ आ जाएगा ना। चलो बता दो, बोला है कि एफ आर से आर परिभाषित है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 3x + 2 हो, तो एफ एफ ऑफ एक्स का मान निकालो। फटाक से एक नंबर का क्वेश्चन है, तुरंत करना है। ठीक है सर, दो फलनों का संयोजन वाला चैप्टर का, अरे भाई कहाँ गए, आओ, अरे यार डर जा रहे होगा, चलो भैया आ गया, चलो भैया आ गया, घबरा मत, आ गया।
लगता कहीं गायब होगा तो गुस्से में, गुस्से में गायब होकर आ गया है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करना है, एफ ऑफ एक्स निकालना है, एकदम सिंपल करोगे। सर अगर हमको सर एफ ऑफ एक्स निकालना है तो क्या लिखोगे, देखो लिखोगे सर एफ ऑफ, वो लिखोगे सर एफ ऑफ एफ एक्स लिखा है ना, ठीक है। तो कैसे करते हैं, अगर सर जो ये एफ एक्स फंक्शन है वो देखो कैसे डिफाइन है, सर अगर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस में थ्री एक्स प्लस में टू है ना, तो सर जहां पे एफ एक्स है मतलब जहां पे सर एक्स है वहां पे एफ ऑफ एक्स रख दीजिए। लो भैया क्या जाएगा सर, सर एफ ऑफ एक्स है सर इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, माइनस में कितना थ्री, थ्री ऑफ एफ ऑफ एक्स कर देंगे, ठीक है, तो उसको सर प्लस में टू कर देंगे, बस यही करना है बस। देखो जैसे अगर एक्स था तो एक्स रखे थे, एफ एक्स होता है एफ एक्स रख दो, ठीक है। सर इसका स्क्वायर करना है, सर इसका मान कितना है, एफ एक्स का मान कितना है, देखो सर एफ एक्स का मान है सर एक्स का स्क्वायर माइनस में तीन एक्स प्लस में टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में सर तीन ब्रैकेट में सर इसका मान कितना है सर एक्स स्क्वायर माइनस में कितना तीन एक्स प्लस में कितना दो प्लस में दो। अब इसको सॉल्व करो, अब देखो इसका लगाओ फॉर्मूला, सर फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर, देखो ए का स्क्वायर प्लस सर बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी का स्क्वायर होता है, ठीक है, इतना सबको पता होगा सर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर होता है, ठीक है। देखो बीच में प्लस रहे या रहे माइनस या रहे प्लस उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर होता ही है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर होगा 100% श्योर है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद सर क्या होता है, टू ए बी, देखो टू ए बी तो दो तय छह हो जाएगा माइनस में सिक्स एक्स का क्यूब, ठीक है, टू ए बी। फिर क्या होता है, टू बी सी तो दो तय छह, छह दूना बारह माइनस में बारह एक्स, अरे माइनस में कितना बारह एक्स, ठीक है, टू ए बी, और टू ए बी हो गया और हो जाएगा सिक्स एक्स क्यूब, बी सी हो जाएगा बारह एक्स, फिर सी हो जाएगा सी ए तो दूना चार प्लस में कितना चार एक्स का स्क्वायर, इतना आएगा, सबको दिख रहा है ना, चार एक्स का स्क्वायर आ जाएगा आराम से। देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर, फिर प्लस में टू ए बी होता है तो ये माइनस है ना, तो जाएगा टू ए बी, टू इंटू ए इंटू बी तो दो तय छह, छह एक्स क्यू हो जाएगा, फिर टू बी सी दो तय छह, छह दुना बारह, बारह एक्स हो जाएगा, फिर लास्ट में टू टू सी ए दो दुना चार एक्स स्क्वायर, इधर अंदर कूड़ा कर लो, ये हो जाएगा सर तीन एक्स का स्क्वायर, तीन एक्स का स्क्वायर प्लस में कितना तीन तरीके नौ, तीन तरीके नौ एक्स हो जाएगा, माइनस में कितना तीन दोना छः और सर प्लस में दो, इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस में दो, देख लो एक बार, ठीक है। अब इसको आराम सॉल्व करो, देखो कुछ कट पिट रहा है, देखो सर एक्स के पावर चार है तो एक्स के पावर चार को चार रहने दो, एक्स के पावर चार को चार रहने दो, देखो सर यहाँ पे नाइन एक्स का स्क्वायर है, देखो नाइन एक्स का स्क्वायर है और कहीं एक्स स्क्वायर है, देखो यहाँ पे चार एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे एक खुद तीन एक्स का स्क्वायर है तो चार एक्स तीन एक्स हो जाएगा एक एक्स, तो चार एक्स एक नौ एक दस एक्स, दस एक्स हो जाएगा, तो जाएगा सर दस एक्स, दस एक्स से पहले क्या करते हैं, देखो पहले क्यूब लिख देते हैं तो माइनस में सिक्स एक्स क्यूब रहेगा ऐसे ही, इसको से लिख दो, क्यूब वाला एक ही है, स्क्वायर वाला कितना हो जाएगा सर दस एक्स हो जाएगा, दस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। उसका सर एक्स वाला कहीं दिख रहा है, सर बारह एक्स दिख रहा है, माइनस में बारह एक्स प्लस में नौ एक्स दिख रहा है ना, माइनस बारह प्लस में नौ कितना हो जाएगा माइनस में तीन एक्स, माइनस में तीन एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसका नंबर देख लो सर, ये है माइनस माइनस छह है ना, तो देखो माइनस छह है प्लस दो है और ये चार है कट जाएगा, ठीक है, तो इतना आंसर आएगा, ठीक है, एक्स के पावर चार आ जाएगा, एक्स के पावर चार माइनस में सिक्स एक्स क्यूब प्लस में टेन एक्स का स्क्वायर माइनस में कितना थ्री एक्स, ठीक है, इतना इसका आंसर आएगा ना, आराम से दो लाइन तीन लाइन का सवाल है, आराम से कर जाओगे, ठीक है, करने आएगा तो आराम से कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा ना, आराम से इसको चेक करके कर सकते हो, उम्मीद करेंगे सबको दिख रहा होगा, लो ठीक है, चलो अब इस आराम से देख लो, ठीक है, सबका बस मान रखे है ना, इसको करो, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, फटाक से, ठीक है, आराम से देखो वीडियो को पॉज करो, पॉज करके ट्राई करो, देखो उसको सॉल्व कर ले रहे हो कि नहीं, तुरंत मतलब दो से तीन मिनट में आराम से सॉल्व कर ले जाओगे सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन सब इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सर फॉग ऑफ निकालना तो क्या लिखोगे, जैसे मान लो अगर निकालना है, देखो मिला भी सकते हो, देखो हम भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आराम से उसको तो मिला लेना सही गलत, ठीक है,
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो ना, हाँ सर जी सही है ठीक है। तुम्हें पूरा आंसर टाइप करने की जरूरत नहीं है ना कि सर आंसर हम टाइप कर रहे हैं, बस तुम बस इतना बोल दो हाँ सर हमको समझ में आ गया, मतलब मेरा सही है, उतना ही बहुत है कि सर मेरा हम जो किए मेरा सही है सोल्यूशन ठीक है। सर एफ ऑफ जी एक्स है, सर एफ एक्स क्या है, मॉड में एक्स है, तो इसको लिख दो मॉड में जी एक्स, लिख दो मॉड में जी एक्स ठीक है। अब सर इस जी एक्स का मान लिख दो, जी एक्स का मान कितना हो जाएगा सर पांच, देखो तो जी एक्स का मान कितना हो जाएगा, जी एक्स मान हो जाएगा सर मॉड में अब देखो दो बार मॉड लगाना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि मॉड मतलब होता है प्लस करना, तो भैया एक ही बार लगाओ बस मॉड, मॉड क्या लगाओ एक ही बार, दो बार मॉड थोड़ी लगाएंगे, दो बार मॉड लगाने से कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा क्योंकि बस रहेगा तो प्लस ही में ना। गॉफ एक्स है तो देखो गॉफ कर लो, देखो भैया ठीक हो जाएगा गॉफ सर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, एकदम सिंपल है बेसिक्स है। सर अगर ये एफ एक्स है तो क्या हो जाएगा, देखो अगर एफ एक्स है जी ऑफ एफ एक्स है, सर जी अगर एक्स होता है तो मॉड में होता है, तो लिख दो भैया मॉड में, मॉड में क्या, मॉड में एफ ऑफ एक्स इसमें कितना टू। अब इस एफ एक्स का मान रख दो, इस एफ एक्स का मान रख दो कितना हो जाएगा पांच, इस एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा बता दो सर, इस एफ एक्स मान कितना आ जाएगा मॉड में एक्स से भैया लो। अब देखो इसको मत हटाना है ठीक है सर, इसको बैठा दे नहीं भैया इसको मत हटा दो, देखो ये जो ये मॉड एक्स है वो केवल सिंगल अकेले है ठीक है, देखो यहाँ क्या था इसका मॉड फिर मॉड का मॉड था इसलिए हटाए थे ना, यहाँ पे मॉड का मत हटा देना कि सर यहाँ पे सर मॉड हटा दीजिए क्योंकि ये एक्स है ना, अगर तुम इसका मॉड हटाओगे तो गलत हो जाएगा ना, इसका मॉड मत हटाना, वो अंदर केवल एक्स वाले का है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बताओ ये प्रूफ करना है कि माना एफ जी एच आर से आर में एक फलन है तो दिखाइए कि दिस बराबर दिस ठीक है, वेरी सिंपल है। इसका देखो एल एच एल ले लिया जाए, इसका एल एच एल ले लिया जाए, एल एच एल ले लो, क्या लिखोगे सर एफ, वो लिखोगे एफ प्लस जी ओ एच, यहाँ पे एक्स कर लो ठीक है आराम से, इसको आराम से उसी तरह सॉल्व करो, इसे हो जाएगा एफ प्लस जी ठीक है, एफ प्लस जी ये एच ऑफ एक्स हो जाएगा ठीक है। अब इसी को क्या करो आगे कर ले, चलो यहीं पे कर लेते हैं ना, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सर एफ ऑफ, इसके पास चला आएगा एफ ऑफ एच एक्स हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा जी ऑफ एच एक्स हो जाएगा बस और क्या, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा ये ठीक है। इसका आर एच एस ले लो, आर एच एस भी सॉल्व कर लो फटाक से, अगर सर इसका आर एच एस लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो सर ये लिखा है ना पॉ प्लस गॉ ठीक है, इसका सर एक्स ले लिया जाए, ऐसे करेंगे ना सर उसका भी एक्स लेंगे, अब सर ये भी दोनों के साथ अलग लग जाएगा, फिर हो जाएगा एफ ऑफ एच एच एक्स प्लस में कितना गॉफ एच एक्स ठीक है, ये होगा ना भैया एक्स एक बार इसके साथ उसको सज जाएगा आराम से, सिंपल सिंपल है ठीक है। फिर क्या हो जाएगा एफ ऑफ एच एक्स हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा गॉफ ऑफ एच ऑफ एक्स हो जाएगा, अब देख लो दोनों इक्वल आए कि नहीं, अब देख लो दोनों इक्वल है ना, बस अगर दोनों इक्वल है तो बस सही है, तो दोनों इक्वल दिखाना है ठीक है। देखो ये है एफ ऑफ एच एक्स है जी ऑफ एच एक्स है, एफ ऑफ एच एक्स है जी ऑफ एच एक्स है, दोनों सब सेम है दोनों ठीक है बस और क्या, बढ़िया दोनों सेम है दोनों बढ़िया दोनों सही है, तो प्रूफ हो गया ठीक है। एल एच एस ठीक है इक्वल टू क्या आर एच एस ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसको बताना है, ये बोला है कि स्टार प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n पर एक द्विम आधारित संक्रिया है जो इस प्रकार परिभाषित है कि a स्टार b बराबर a टू द पावर b ठीक है। तो तुमसे पूछा है बताओ 3 क्रॉस 3 का मतलब 3 स्टार 3 कौन बताना है और 3 स्टार 2 कौन बताना है, एकदम सिंपल है, क्या करना है देखो ऐसे लिखो ना यहीं पे कर दें, देखो अगर सर हमको पता है सर a स्टार b है तो इसका मतलब क्या है, देखो जैसे तुम लोग फंक्शन पढ़ते हो ना जैसे फलन डिफाइन होता है उसमें सर फलन में हम लोग x का मान रखते हैं ना, तो उसी तरह जो द्विआधारी संक्रिया होती है ये भी क्या है एक तरफ से फलन है, बस इसे मार रख दो, कितना लिखना सर 3 क्रॉस 3 है भैया 3 स्टार 3 है ठीक है, तो मार रख दो कितना जगह सर 3 के पावर 3 हो जाएगा, 3 के पावर 3 मतलब कितना 3 के पावर 3 मतलब कितना 27 हो जाएगा बस। अब कितना लिखना 3 क्रॉस 3 स्टार 2 निकालना है, 3 स्टार 2 क्या करना है देखो a के पावर b है मतलब a के पावर b, बस बढ़िया से एकदम सिंपल है कर लोगे ना आराम से, सिंपल करना है देखो तुमको सोचो ये फॉर्मूला दिया है
एक तरफ से क्या है, मेरा फॉर्मूला दिया है, बस उस फॉर्मूले में क्या करना है, सबका मान रखना है, ठीक है। ये तुमको क्या दिया, फॉर्मूला, बस देख लो कि ए इक्वल टू क्या है, बी इक्वल टू क्या है। भैया जो आगे रहेगा वो ए, जो पीछे रहेगा बी, ठीक है। तो ए की जगह तीन, बी की जगह तीन, ए की जगह तीन, बी की जगह दो, आराम से बस कर लो ना, बढ़िया है। आओ ये बताओ, बोला है कि माना कि ए बराबर ए बी सी है, तो ए पर द्विधारी संक्रियाओं की संख्या निकाले, ठीक है। बताओ ए बी सी पर द्विधारी संक्रियाओं की संख्या कितनी होगी। तो पढ़े होगे कि अगर सर कोई समुच्चय ए है, उस समुच्चय ए में अगर एन अवयव है, तो ए पर द्विधारी संक्रियाओं की जो संख्या होती है, ठीक है, द्विधारी, ठीक है, क्या बोलोगे, द्विधारी या द्विव आधारी, दोनों बोल सकते हो, ठीक है, द्विव आधारी, द्विव आधारी, द्विआधारी संक्रियाओं, ठीक है, की संख्या, ये आई थिंक सबको याद होना चाहिए, ठीक है सर। द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n, ठीक है, n के पावर n स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है, ऐसे बोलोगे n के पावर n का स्क्वायर, n के पावर क्या, n का स्क्वायर। अब n मतलब क्या होता है सर, n मतलब होता है अवयव की संख्या, n बराबर क्या होता है, याद कर लो इसको सर, अवयव की संख्या, ठीक है, क्या बोलोगे, अवयव की संख्या। भैया समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो एकदम इजी, इसलिए ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि एकदम बेसिक है, तुम इसको देख के आराम से समझ सकते हो ना। बस फॉर्मूला याद करो सर, फॉर्मूला क्या होता है सर, द्विधारी संक्रियाओं की जो संख्या होती है बराबर होती है एन के पावर, मतलब एन, एन का स्क्वायर, ठीक है, और एन बराबर क्या, अवयव की संख्या, एन बराबर क्या हो जाएगा, अवयव की संख्या, बस लगा दो इसमें फटाक से। कितना जाएगा, तीन के पावर नौ, कितना जाएगा, तीन के पावर नौ आ जाएगा, चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो, बताओ इसका आंसर कितना आएगा। तो बोला है कि यदि फलन एफ आर सी आर एफ एक्स द्वारा परिभाषित, दिखाइए कि फलन मैनी वन, मैनी वन इंटू फलन है, ठीक है, तुम्हें दिखाना है कि मैनी वन इंटू फलन है, मतलब ना तो ये अच्छादक है ना तो ये क्या किए। तो तुमको पता है सर, अगर कोई फलन एक्स स्क्वायर होता है तो तुमको पता है सर एक्स बराबर एक पे भी आंसर वन आता है, और एक्स बराबर माइनस एक पे भी आंसर कितना आता है, वन आता है। तो उसको दिखा दो, लिख दो सर एफ ऑफ वन, ठीक है, इसको दिखा दो आराम से कि सर जो ये एफ ऑफ वन है, एफ ऑफ वन का मतलब कितना सर, वन का स्क्वायर बराबर कितना, वन, और सर एफ ऑफ ये भी वन, ठीक है, बस लिख दोगे, चूंकि चूंकि सर f ऑफ वन इक्वल टू क्या, f ऑफ माइनस वन, ठीक है, मतलब सर माइनस वन पे और वन पे दोनों के लिए सेम है, परंतु परंतु किंतु लेकिन बंधु जो ये एक है वो माइनस एक के बराबर नहीं है, ठीक है, अतः अतः ये अतः फलन क्या है, फलन बहु एकैकी है, क्या बोलोगे, एकैकी है, ठीक है, समझ आया कि नहीं, लिख दोगे अतः फलन बहु एकैकी है, बढ़िया एकदम, आई थिंक बढ़िया होगा, मजा भी आया होगा। अब बताओ ये अच्छादक है कि नहीं, ठीक है, तो बोल देना, बताओ ये एक्स स्क्वायर है, तुमको पता है सर एक्स स्क्वायर मतलब क्या, वर्ग, वर्ग में सर ये हमेशा क्या होगा, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव कभी आएगा नहीं। अब क्योंकि देखो ये फलन ये सर ये आर से आर में डिफाइन है ना, मतलब सर आर से आर में। अब बताओ सर अच्छादक, देखो इंटू प्रूफ करना है, इंटू मतलब क्या होता है, ठीक है, अंतःक्षेपी, इंटू मीन्स क्या, अंतःक्षेपी, मतलब सर ये अच्छादक फलन नहीं है। देखो जैसे दिखा दिया ना, बहुत क्या कि मतलब सर ये मैनी वन हो गया, मैनी वन, ठीक है, मैनी वन हो जाएगा ना, मैनी वन, ठीक है, मैनी वन इंटू फंक्शन है ना, मैनी वन इंटू फंक्शन है, तो मैनी वन हो गया बहुत क्या कि। अब बताओ इंटू फंक्शन के लिए तुमको दिखाना है सर ये अच्छादक फलन नहीं है, इसको दिखा दो, क्योंकि अगर ये अच्छादक नहीं होगा तो इसका मतलब क्या, ये अंतःक्षेपी फलन है, सीधी बात है। अब ये अच्छादक कैसे प्रूफ करोगे, या अच्छादक नहीं कैसे प्रूफ करेंगे, तो बोलेंगे सिंपल, बोल देंगे ऐसे कि वाई या टू लिख दो, ऐसे माइनस टू बिलोंग्स टू वाई के लिए, माइनस टू वाई टू बिलोंग के लिए वाई के लिए, ठीक है, प्रांत, प्रांत क्या लिखेंगे, प्रांत आर में, ठीक है, प्रांत आर में ऐसे ऐसे किसी भी, ठीक है, ऐसे किसी भी अवयव, ऐसे किसी भी अवयव
एक्स का अस्तित्व नहीं है जहां एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर माइनस दो हो। ठीक है, कितना लिखोगे, लिखोगे अतः अतः एफ अंतःक्षेपी फलन है, क्या लिखोगे, समझ में आया कि नहीं, अतः एच क्या हो जाएगा, अंतःक्षेपी फलन हो जाएगा। ठीक है, बस देखो यहां पे क्या है, एक एकी नहीं है मतलब बहु एकी हो गया। ठीक है, ये अच्छा तक नहीं, इसका मतलब क्या, ये अंतःक्षेपी हो गया। ठीक है, बस इसका बताओ, इसका मान कितना जाएगा, ये बोला है यदि एफ एक महत्तम पूर्णांक फलन है और जी एक मापांक फलन है तो फॉग माइनस में तीन बटा दो और गॉफ चार बटा पांच का चार बटा तीन का मान बता दो कितना आएगा। ठीक है, देखो करते हैं, आओ देखो क्या लिखा है, फॉग तीन बटा दो लिखा है, चलो लिखा क्या है, लिखा है सर फॉग माइनस में तीन बटा दो प्लस गॉफ प्लस गॉफ चार बटा तीन, तो इसका मान पूछा है ना, इसका मान पूछा है। ठीक है, कैसे करोगे, अब देखो क्या लिखा है, देखो तो लिखा है f क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन है, f मतलब क्या भैया, f जो ये fx है ना सर, fx क्या है, एक महत्तम पूर्णांक फलन है, fx क्या है, एक महत्तम पूर्णांक फलन है, और gx क्या है, जो g ऑफ x है ये क्या है, एक मापांक फलन है, ये ऐसे है, ये क्या है, मापांक फलन है। ठीक है, ये क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन है, वो क्या है, मापांक फलन है। ठीक है, मापांक फलन मतलब क्या सर, अंदर जो डालेंगे वो प्लस में आएगा, और महत्तम पूर्णांक फलन मतलब क्या होता है सर, अंदर जो डालेंगे उसका एक पूर्णांक आएगा आंसर। ठीक है, अब क्या पूर्णांक आएगा सर बताना चाहिए तुम लोग को, देखो कैसे करोगे, उसको लिखोगे, लिखोगे सर ये हो जाएगा एफ ऑफ जी, ठीक है, जी थ्री बाई टू, ठीक है, और यहां पर सर कितना हो जाएगा, जी एफ ऑफ टी माइनस है, ठीक है, समझ लेना माइनस ही है। ठीक है, और एफ ऑफ कितना हो जाएगा सर, चार बटे तीन। ठीक है, कितना हो जाएगा सर, ये जी वाला फंक्शन क्या है सर, जो जी फंक्शन क्या करता है सर, इसको मॉड में कर देगा, क्या कर देगा, मॉड में, मॉड में तो माइनस में कितना, तीन बटे दो। ठीक है, इसको पॉइंट में कर दें, पॉइंट में कर दे रहे हैं, माइनस में सर एक दशमलव पांच। ठीक है, सिंपल रहेगा, सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में सर जी कर दो, ई क्या है, ई है सर महत्तम पूर्णांक फलन, तो लिख दो तीन एकम तीन दशमलव तीन तरीके नौ। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, क्या कहता है सर, अगर ये माइनस में तो बाहर क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, बाहर क्या है, प्लस में आएगा, लो आ गया प्लस में। ठीक है, और ये सर ये इसका महत्तम पूर्णांक निकालना, देखो अगर सर महत्तम पूर्णांक में अगर कोई धनात्मक संख्या होती है तो जिसका जो पूर्णांक होता है वही उसका बाहर आ जाएगा, एक है पूर्णांक तो एक आ जाएगा बाहर। ठीक है, एक है पूर्णांक तो एक आ जाएगा बाहर। ठीक है, अब सर इसका मान कितना जाएगा सर, ये महत्तम पूर्णांक फलन है, कितना आएगा, एक दशमलव पांच, ये क्या सर मापांक फलन है सर, जाएगा मॉड में कितना, वन। ठीक है, अब दोनों का सर मान निकाल के जोड़ लो, देखो बहुत लोग को समझ में नहीं आया होगा, देखो उस बात को हम कई बार बताएं। ठीक है, अगर तुम मेरा चैप्टर फर्स्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे होगे तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाए हैं, ऐसा क्वेश्चन हम बताएं तो एक बार जाकर वहां देख सकते हो और समझ सकते हो। अगर तुम पढ़ने के लिए सच में एक्साइटेड हो, तुम सच में इस चीज को जानना चाहते हो सर ये कैसे ये चीज आया, तो जाके देख सकते हो कि महत्तम पूर्णांक फलन को कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे उसका मान निकाला जाता है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो बस इसको याद ही करो भाई, हम क्या बोल सकते हैं ना, इसका हम वन शॉट लेक्चर लिए उसमें भी समझाएं, जो चैप्टर फर्स्ट का जो वन शॉट पूरा लेक्चर 11 घंटे का, उसमें जब तुम भगा के देखोगे तो जहां महत्तम पूर्णांक फलन और ये मापांक फलन आएगा उसमें बताएं कि महत्तम पूर्णांक फलन को कैसे सॉल्व करते हैं और मापांक फलन को कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों तरीका बताएं, आई थिंक कर लोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी इतना करो, अगर सर ये 1.33 लिखा है तो इसका महत्तम पूर्णांक कौन होगा, एक हो जाएगा। ठीक है, बस, और माइनस होगा तो क्या होगा, उसके लिए अलग रूल होता है। ठीक है, सबके लिए सेम नहीं हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं के साथ सबके लिए सेम ही कर दोगे। ठीक है, अब सर ये 1.5 है तो इसका कितना आएगा सर, 1 आ जाएगा, इसका सर 1 आएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2। समझ में आया, आराम से देखो कर लो भैया। ठीक है, सीख लो,
ठीक है, इसे तुमको कोई बताएगा नहीं, हम बता रहे हैं, सीख लो एकदम अच्छे से, कोई गलती मत करना। देखो उसका बेसिक हम बता चुके हैं, देखो इसलिए हम छोड़ दें, ये सोचा सर जी आप तो नहीं पढ़ा रहे, आप समझा नहीं पा रहे अच्छे से। देखो उस चीज को हम कम से कम दो बार तीन बार करवा चुके हैं, और हम चाहते हैं कि अगर तुम हमसे जुड़े हो, हमसे पढ़ रहे हो, तो बस हमसे ही पढ़ो, ठीक है, और ढंग से पढ़ लो, ठीक है, और वो चीज तुमको आ जाए, उसका तुमको कहीं जाना कहीं जाओ, उससे कोई मतलब नहीं रहो। अगर तुम्हें हम हर एक चीज दे रहे हैं, हर चीज समझा रहे हैं, अगर तुम यहाँ पर रह के अगर तुम यहाँ समझोगे ना, तो तुमको वो चीज 100% श्योर है कि वो आएगा ही आएगा। जिससे नहीं आएगा इसका मतलब वो मेरा लेक्चर नहीं देखा स्टार्टिंग से, न मेरा वन शॉट देखा होगा, न मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज देखा होगा, ठीक है। तो देखो हीरो यही कहेंगे, अब टाइम अपना खराब मत करो, तुम्हें हर एक चीज यहाँ मिल रहा है, इसको आराम से कम अगर तुम चाहते हो कि हम यूट्यूब से ही पढ़े बस, तो बस एक जगह अच्छे से पढ़ लो, हो जाएगा ना। चलो कम से कम जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसको तो पूरा देखो, तुमको पूरा निचोड़ करके पूरा दे दिया जा रहा है, पूरा एकदम कर जाओ, इतना कर लोगे, इतना अगर तुम नोट्स बना लोगे, तो सिर्फ तुम्हें बस देखना रहेगा, बस देखोगे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। देखो ये लिखा है कि एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन दिया 2x + 7, बोला एफ इनवर्स आर में आर परिभाषित है, तो एफ इनवर्स 3 का मान ज्ञात करें, ठीक है। देखो सर हमको क्या लिखा है, देखो एक फंक्शन लिखा है एफ ऑफ एक्स बराबर कितना 2x + 3। देखो बाकी यार तुम लोग की मर्जी है, ठीक है, हम तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग जबरदस्ती करने गुस्साने वाला काम करोगे, ऐसा कुछ नहीं रहो, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबको जहां मजा आता है वहां जाओ, ठीक है, जो करना है वो करो, बट हम ये कह रहे हैं कि अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ लो भी, उसके बाद तो जो तुम्हें करना वो करोगे ही करोगे, समझ रहे हो कि नहीं, बट अभी जो कर रहे हो वो कर लो, उसके बाद जो मन वो करना, ठीक है। सर एफ एक्स इक्वल टू कर दो 2x + 3, सर इसमें क्या कर, सर इसको वाई मानते हैं, ठीक है, सर इसको लिखते हैं 2x + 7 लिखते हैं, यही करते हैं ना, इसको सर इधर लेके आते हैं, सर y माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, अपान में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर कितना 2x, बराबर कितना x। अब देखो जो ये बनता है ना, जो ये y में बनता है, सुनो सर, जो ये y में जो बनता है फलन ना, यही तुम्हारा क्या होता है f इनवर्स x होता है, बस बस यही तुम्हारा क्या होता है f इनवर्स x होता है। जब तुम इसको y में चेंज करते हो ना, तो y के बाद जो ये y को चेंज करने के बाद जो ही तुम्हारा आंसर आता है, जो ही तुम्हारा आंसर आता है, यही तुम्हारा क्या होता है इनवर्स होता है, तो हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स माइनस 7/2, ठीक है, बस। अब कितना मान पूछा है, तुमसे पूछा है एफ इनवर्स 3 का बता दो, एफ इनवर्स 3 का मान कितना होगा बता दो फटाक से, रख दो यहां पे 3, सर एफ इनवर्स 3 मतलब सर जहां पे एक्स वहां पे 3 रख दो, तो 3 - 7/2 सॉल्व करोगे माइनस में 2 आ जाएगा, ठीक है, आएगा ऊपर कितना 3 - 7 हो जाएगा -4 - 4/2 आ जाएगा -2, ठीक है, बढ़िया, आई थिंक समझ में आया होगा सबको। चलो आई थिंक कर रहे हैं, अगर किसी को नहीं है तो एक बार फिर से देख लेना। सर इसको y में चेंज करोगे, y में चेंज करने के बाद देखो जो ये फलन बनता है ना, यही f ऑफ मतलब f इनवर्स x होता है, बस इस y को x से रिप्लेस कर देना भैया, x से रिप्लेस करोगे आ जाएगा आंसर। चलो ये बताओ, बोला एक फलन a है, 1, 2, 3 है, b है, 2, 5, 10, 17 है, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एफ ए से बी कैसा फलन होगा, इसको देखो आराम से तुम निकाल के दिखा दो, ठीक है, ऐसे निकाल के दिखाओ। सर एफ ऑफ 1 का मान कितना होगा, अगर सर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 2 मिल जाएगा, ठीक है। सर एफ ऑफ 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 रखो तो 2 का स्क्वायर 4, 1, 5 मिल जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ सर 3 का मान निकालते हो, ठीक है, 3 का मान निकालो, 3 × 9 = 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा ना, ठीक है, 10 हो जाएगा ना, ठीक है, 10 हो गया, बस इसको दिखा दो ऐसे ऐसे बना के दिखा दो। देखो इसको इसको तुम क्या करोगे, देखो इसका तुम वैल्यू निकाल के भी दिखाओगे और इसको तुम एरो डायग्राम से भी दिखाओगे, इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एरो डायग्राम भी तुमको दिखाना पड़ेगा हीरो, ठीक है, 2, 5, 10, 17, ठीक है, ऐसे दिखाओगे, दिखाने के बाद बोलोगे देखो सर 1 का इमेज बन गया 2 के साथ, 2 का 5 हो गया और 3 का 10 हो गया, सर 17 बच गया, इसका मतलब सर ये फलन क्या है, ये सर एकैकी फलन है, ठीक है, और सर ये अच्छादक नहीं है, अंतःक्षेपी, बोलोगे एकैकी अंतःक्षेपी फलन है, क्या है, एकैकी अंतःक्षेपी फलन है, समझाएंगे नहीं, तुमको ये वैल्यू निकालना है, दिखाना है, बोलोगे सर इसमें 17 बच गया है, 17 बच गया इसका मतलब क्या सर ये अंतःक्षेपी हो गया, तो इसको एक लाइन में बोलेंगे सर ये एकैकी अंतःक्षेपी फलन है, ठीक है, एकैकी को बोलते हैं 1, 1, अंतःक्षेपी बोलते हैं इनटू, 1, 1 इनटू फंक्शन है, ठीक है, 1, 1 इनटू फंक्शन है, ठीक है, और एकैकी को बोलते हैं इंजेक्टिव बोलते हैं ना, इंजेक्टिव बोलते हैं, देखो यहां बोलो, यहां पे तुम बोलोगे 1, 1, 1, 1 इनटू फंक्शन, ठीक है, एकैकी अंतःक्षेपी फलन, ठीक है। चलो
इसको बताओ, इसको सॉल्व करके दिखाओ इसका आंसर कितना जाएगा। बोला है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है माइनस वन है और जी एक्स इक्वल टू कितना दे दिया है टू एक्स प्लस में थ्री, तब गॉफ एक्स का मान कितना होगा, दो फलनों का संयोजन है, आराम से बताओ इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में वन और जी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस में थ्री, तब गॉफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, फटाक से बता दो। देखो लिखोगे g of fx, अब देखोगे सर g of fx है ना, तो बस सर फलन g, देखो जो फलन g है वो कैसे डिफाइन है, अगर सर gx है तो 2x plus 3 है, तो अगर सर ये g of fx तो क्या कर दो 2 of gx कर दो प्लस में 3 कर दो बस, सॉरी fx है ना, बस अब यहाँ बस क्या करो लास्ट में fx का मान रख दो, ठीक है। ये कंपेयर करने आता है ना यार, देखो अगर सर x होता है तो क्या होता है 2x plus में 3 होता है, एकदम सिंपल है यार, देखो हम बहुत बार बता चुके हैं ना, x है तो 2x plus 3 और सर अगर ये fx है तो 2fx plus 3 हो जाएगा, बस बात खत्म। और सर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में सर कितना, ब्रैकेट में कितना सर x, कितना x उसका माइनस 1 है, अच्छा x उसका माइनस 1 है, चलो जाने दो, तो ये तो सिंपल है ना, ठीक है मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो 2x का स्क्वायर माइनस में कितना 2 प्लस में 3, ठीक है इतना जाएगा। अब इसी को सॉल्व करके इसका आंसर लिख दो नीचे, ठीक है बगल में लिख दे, इसके सामने लिख दे, ठीक है ये इसका आंसर जाएगा आंसर, ठीक है गॉफ x का कितना जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है आराम से करना, गॉफ एक्स है तो जी ऑफ एक्स हो जाएगा, सर जी एक्स कैसे डिफाइन है, तो सर 2x प्लस में 3 है, तो यह जगह इतना बढ़िया है। चल आगे बताओ, अब देखो बोला कि यदि फलन f R से R है जहां एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 हो तो फॉफ वन का मान ज्ञात कीजिए, बताओ फॉफ वन का मान कितना हो जाएगा, बता दो फटाक से एकदम, फॉफ वन का मान कितना होगा, वेरी सिंपल वेरी इजी, ठीक है तो पहले देखो f ऑफ 1 का मान निकाल लो, अगर तुम f ऑफ 1 का मान निकालोगे तो कितना आएगा, सर पहले अलग से f ऑफ 1 का मान निकाल लो, क्यों, क्योंकि 1 एक नंबर है, हम लोग सर उसका मान निकाल सकते हैं, तो एक बार सभी लोग बताओ f ऑफ 1 का मान कितना आ जाएगा, मतलब सर जहां पे x है वहां पे 1 रख के सॉल्व कर देंगे, उसका मान आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे यहां मान रख लेंगे, बहुत इजी बहुत सिंपल, ठीक है तो 1 रख के देखो जहां पे x होगा वहां 1 रख लो, जहां x होगा वहां 1 रख दो, देख लो कितना आ जा रहा है, 1 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू 1 प्लस में कितना 2, ठीक है तो इसको सॉल्व कर लो आराम से, एफ 1 हो जाएगा, ठीक है 1 का स्क्वायर देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा प्लस 3 0 हो जाएगा, काम खत्म, इसका मान कितना आ गया 0 आ गया ना, तो अब रख दें, देखो अब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो लिखोगे सर एफ ऑफ, ठीक है जैसे यार हम लोग सॉल्व करते थे एक्स के लिए, ठीक है जी एक्स वाला उसी तरह करना सर, ऐसे तोड़ेगा ना भैया, ये ऐसे टूटता है ये वन आता है x का f के साथ आ जाएगा, अब बताओ f of 1 का मान कितना है 0 है, तो बस लग दो यहाँ पे 0, अब f of 0 का मान निकाल लो, देखो f of 0 मतलब क्या सर जहां पे x है वहां पे 0, देखो सर जहां पे x वहां पे 0, देखो यहाँ पे 0 0 का स्क्वायर 0 और सर 3 गुणे 0 0 प्लस में कितना 2, आंसर कितना आ जाएगा 2, ठीक है कितना जाएगा 2, बताओ सही है कि नहीं, चलो अब इसका आंसर बताओ, अब देखो ये बहुत आराम से बहुत तेजी के साथ एकदम सही सही करना है, बता दो इसका आंसर कितना आ जाएगा, बोला यदि f R से R है और g R से R दो फलन है ताकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर और जी एक्स बराबर 3x माइनस 4 हो तो फॉग फॉग एक्स का मान कितना होगा, बहुत सिंपल है बहुत सिंपल वेरी सिंपल, ठीक है बता दो कितना इसका आंसर हो जाएगा, सभी लोग एक बार करके दिखाओ, ठीक है लोग यार सब पढ़ो जान लेना, तुम्हें सब पढ़ना, तुम्हें कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि तुम्हें क्लास 12 का बोर्ड तो देना ही देना है, उसके बाद तुम्हें सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम भी देना है और बहुत अच्छे से देना है, अच्छे नंबर के साथ लाना है तुमको, तभी जाकर तुम्हारा तुमको अपना फेवरेट कॉलेज तुम्हें मिलेगा, ये बात ध्यान देना ना, इसलिए कुछ भी छोड़ो मत, ठीक है
बहुत सारे लड़के परेशान है सर, सिलेबस कम हो गया, कट गया सर, आप पूरा पढ़ा रहे। देखो यार, हम तो पूरा पढ़ाते हैं, हर जगह पूरा पढ़ाते हैं, यहाँ भी पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है, कि तुम लोग का कुछ छूटे ना, बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े कभी। चलो कि क्या हो जाएगा सर, देखो ये ऐसे हो जाएगा, फॉ ऐसे हो जाएगा। देखो अगर सर ये एफ ऑफ जी एक्स है, सर अगर x है तो x प्लस x का स्क्वायर, तो अगर gx होगा तो क्या होगा सर, gx प्लस में कितना सर, gx का स्क्वायर, बस और क्या, ये कर दो। अगर सर x है तो x प्लस में x का स्क्वायर, अगर gx है तो gx प्लस gx का स्क्वायर। अब gx का मान कितना है रख दो सर, gx का मान कितना है सर, 3x माइनस में 4 है, प्लस में सर इसका स्क्वायर कर देते हैं, 3x माइनस में कितना, 4 का होल स्क्वायर। लो भैया आराम से, सिंपल है ना, कर लो तो जाएगा 3x माइनस में 4, 3x माइनस 4 कॉमन कर लेते हैं दोनों में से। देखो दोनों में से 3x माइनस 4 कॉमन कर लें, देखो सोचो ये भी एक टर्म है ना सर, ये भी एक टर्म है, सोचो यहाँ से यहाँ तक ये एक टर्म आ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सर ये भी एक टर्म है, दोनों में सर सेम है, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 दोनों में कॉमन कर लेते हैं, आ जाओ ठीक है। तो दोनों में से क्या करो सर, 3x माइनस 4 कॉमन कर लो, ब्रैकेट बना दो, क्या बचेगा सर, पहले वाले में से अगर हम 3x माइनस 4 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा सर, एक बचेगा, तो यहाँ पे क्या लिख दो, एक लिख दो, ठीक है, बीच में सर माइनस का साइन लगा दो, माइनस की प्लस है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दो, प्लस का साइन। उधर वाले क्या बचेगा सर, इधर क्या सर, स्क्वायर है, स्क्वायर में सर क्या, दो बार, अगर सर 3x माइनस 4 का सर ये होल स्क्वायर है, उसमें से कॉमन कर लो, एक को कॉमन करोगे एक को बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x माइनस में 4 बच जाएगा, ठीक है, बस इस हो जाएगा 3x माइनस में 4, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 3x माइनस में 3, ठीक है। अब 3 कॉमन कर सकते हो दोनों में से, 3 कॉमन कर लोगे ये तुम्हारा जाएगा 3x माइनस में 4 हो जाएगा, तो जाएगा ये x माइनस 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 3x माइनस 4 और x माइनस 1, ये हमारा आंसर। ठीक है चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं, चलो बताओ अब इसका आंसर बताओ। अब कोई भी आंसर किसी गलत नहीं होना चाहिए, सब एकदम सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक अब तो तुम रट गया होगा, अब बता दो इसका आंसर कितना है जल्दी से। ये सब देखो वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, तुमको ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आराम से करना है, एक लाइन दो लाइन में करके बस आंसर लाना है। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 13 आंसर कितना आ जाएगा, बोला एफ एक्स इक्वल टू 8, एक्स के पावर 3, जीएक्स इक्वल टू एक्स के पावर 1/3, तो इसका मान कितना आ जाएगा, आराम से देखो सिंपल करना है एकदम। देखो लिखोगे सर फॉग एक्स, ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर, ऐसे ही होगा ना सर, अगर सर एफ एक्स तो क्या है, अगर सर एफ एक्स है तो 8 एक्स के पावर 3 है, तो कर दो, अगर सर जी एक्स होगा तो 8 क्या लिखोगे सर, जी एक्स के पावर 3 कर दो, बस और क्या, अगर सर एक्स था तो 8 एक्स के पावर 3, अगर सर जी एक्स है तो 8 जी एक्स के पावर 3, बस। अब सर जी एक्स का मान रख दो, तो जी एक्स का मान कितना है, एक्स के पावर 1/3 के पावर कितना, 3। अब देखो पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा, एकदम बढ़िया से कितना आ गया आंसर, 8x बढ़िया से कितना आ जाएगा, 8x। सबको समझ में आया होगा ना, ऐसा तो कोई नहीं जिसको नहीं आया होगा, आराम से करना है, तुमको लगाना है सर फॉग एक्स निकालना है सर, ये एक्स जाएगा जी के साथ, आएगा एफ ऑफ जी एक्स, इस एफ ऑफ जी एक्स कैसे सॉल्व करेंगे, अगर सर एफ एक्स है तो 8x के पावर 3 है, तो अगर सर एफ जी एक्स है तो 8 जी एक्स के पावर 3 हो जाएगा, सर जी एक्स का मान कितना है, एक्स के पावर 1/3 वो मान रख दो, सर ये पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा, सर पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा, एक्स के पावर 1 मतलब एक्स, तो 8x आंसर आ जाएगा, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ये बता दो, बोला है 1, 2, 3 आर बराबर 11, 22, 33, 12, तो आर किस प्रकार का संबंध है, ये किस प्रकार संबंध है, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, ये कैसा संबंध तुमको ये बताना है, ठीक है, ये कैसा संबंध है ये तुमको बताना है, ठीक है। देखो ना सर, अगर हमें स्वतुल्य चेक करना है तो बताओ ये स्वतुल्य होगा कि नहीं, ठीक है, जो संबंध आर है क्या ये आर स्वतुल्य होगा, तो आई थिंक यार सबको स्वतुल्य चेक करने आता होगा कि सर किसी फलन को, मतलब किसी, हाँ किसी संबंध को अगर हमें चेक करना है कि वो सर वो स्वतुल्य है कि नहीं, तो कैसे चेक करते हैं, स्वतुल्य में क्या करते हैं सर, सेम टू सेम देखते हैं, सेम टू सेम होना चाहिए, अगर सर ये एक है तो क्या देखोगे सर, एक एक होना चाहिए सर, एक एक है, ठीक है, दो दो भी है, एक एक है सर, दो दो है, और सर तीन तीन भी है, मतलब सर एक एक दो दो तीन तीन है, मतलब सर काम बन गया,
मतलब सर ये स्वतुल्य है, ठीक है, क्या है, स्वतुल्य है, ठीक है, आराम से लिख दो सर, स्वतुल्य है, ठीक है। अब बताओ सममित है कि नहीं, सममित, देखो सममित के लिए संक्रामक के लिए क्या बताएं, अगर तुम्हें कभी भी सममित चेक करना हो या संक्रामक चेक करना हो तो इसको छोड़ दिया करो, ठीक है, इसको छोड़ के बस जो ये बचता है इसको देखो, एक दो है, तो क्या एक दो को उल्टा इसमें दो एक है, नहीं सर नहीं है, तो सर ये सममित नहीं है, क्या है, सममित नहीं है, ठीक है, सममित नहीं है। अब बता दो ये स्वतुल्य है, सममित नहीं, संक्रामक है कि नहीं, सर संक्रामक को जोड़ा बनाते हैं, सर जोड़ा बना ही नहीं है, अगर सर जोड़ा जब बन बन नहीं गया तो सोचने क्या जरूरत, जोड़ा नहीं बना मतलब बोल दो संक्रामक है, संक्रामक है, ठीक है, बस। तो ये बताओ, ये बोला है कि समुच्चय ए एक दो तीन में कुल कितने संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं, कुल कितने संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं, बता दो, संबंधों की संख्या सबको निकालनी आनी चाहिए, संबंधों की संख्या और फलनों की संख्या सबको बहुत अच्छे से निकालने आना चाहिए, ठीक है, तो संबंधों की संख्या सर कितनी हो जाएगी, अगर समुच्चय ए है एक दो तीन में कुल कितने संबंध होंगे, तो सर संबंधों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, सर अगर ए से ए में बताना संबंध, इसमें सर हमको पता है ना, याद करो, देखो ऐसे पहले सोचो, चलो पहले ऐसे सोचो, सर अगर ए से बी में अगर हमें संबंध बताना होता था, इसमें सर अगर एम अवयव, इसमें अगर सर एन अवयव होता था, तो सर जो संबंध होता था वो होता था टू के पावर कितना एम एन, ना सर टू के पावर एम एन, तो तुम सोचो अगर सर ये ए से ए हो गया, मतलब सर यहां पर भी ए हो गया और सर यहां पर भी ए हो गया, ठीक है, अब सर ए में कितना अवयव, सर यहां पर एन अवयव है और सर यहां पर भी एन अवयव, बस सोचो ना फॉर्मूला क्या कहता है, सर फॉर्मूला कहता है दोनों मतलब टू के पावर क्या कर, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, या टू के पावर दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, क्या लिख दोगे सर, एन गुणे एन, ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, टू के पावर एन का स्क्वायर, टू के पावर कितना एन का स्क्वायर, बस आ गया, ठीक है, हो जाएगा नहीं। अब इसमें बताओ सर इसमें कुल कितने अवयव, तीन अवयव है ना, तो देखो ऐसे लिखोगे ए, ए लिखोगे ए का ए में संबंध, सर कितने अवयव, सर तीन अवयव इसमें है, तीन अवयव इसमें है, तो सर कुल संबंध कितना हो जाएगा, कुल संबंध सर टू के पावर कितना, तीन गुणे तीन नौ होगा ना, तीन गुणे तीन नौ हो जाएगा, बस गुणा करना है, अगर एम एन रहे तो भी एम एन, अगर दोनों में सेम हो जाए एन एन, तो एन का स्क्वायर तीन है, तो तीन का स्क्वायर नौ डायरेक्ट ना। ये बताओ, बोला समुच्चय ए बी, एक समुच्चय दिया है इसमें चार अवयव है ए बी सी डी से, स्वयं पर सभी एक एक ही फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, एक एक ही फलनों की संख्या ज्ञात करना है, फटाक से निकाल के बताओ, ठीक है। अब सभी लोगों को देखो एक एक ही फलनों की संख्या, अच्छादक फलनों की संख्या और एक एक ही अच्छादी फलनों की संख्या निकालना बहुत अच्छे से आना चाहिए यार ना, उसको देखो निकालने का तरीका देखो बताया, हम फॉर्मूला बताया है, ठीक है, तुम चाहो तो फॉर्मूला भी देख सकते हो, ठीक है, जो हम वन शॉट लेक्चर लिए हैं उसमें तुमको हम बाकायदा देखो हर एक चीज डिटेल से बताए हैं, चाहो तो देख सकते हो, जितने लोग नहीं देखे हो ना जाओ, ठीक है, तुम्हें वीडियो के नीचे देखो कहीं ना कहीं तुमको मिल जाएगा, ठीक है, मेन चैनल पे आए हो, ठीक है, स्क्रॉल करो नीचे देखो जो वीडियो की लिस्ट होगा वहां तुमको मिल जाएगा, ठीक है, देखोगे जरूर मिलेगा, खोजोगे तो मिल जाएगा, अगर तुम चाहोगे यार हमको तुरंत मिल जाए, हमको सामने दिख जाए, तो ऐसा नहीं होगा, कुछ मेहनत करोगे उसके बाद अगर तुम्हें कुछ मिलेगा तो उसका मजा भी आता है ना। देखो सर एक एक ही फलनों की संख्या क्या होती है, देखो अगर सर एक सेट ए रहे, देखो अगर सर एक सेट ए रहे इसमें अगर सर एम अवयव रहे, ठीक है, एक सेट सर अगर बी रहे, ठीक है, इसमें सर अगर एन रहे, तो एक एक ही फलनों की जो संख्या होती है उसका फॉर्मूला होता है सर एन पी एम होता है, क्या होता है, एन पी एम होता है। अब लेकिन सर अगर दोनों में संख्या बराबर हो जाए, सर इसमें भी एम इसमें भी एन, मतलब अगर सर दोनों में सेम हो जाए, क्योंकि सर ये चार चार अवयव दिया है, ठीक है, देखो इसका वाला ऊपर लिखते हैं हमेशा, याद रखना, ठीक है, एम एन, तो एन हमेशा उधर, एन में से चार को लेने के प्रकार, ठीक है, लेकिन सर इसमें चार ही दिया है तो सीधे कर दो सर, क्या लिखोगे सर, चार पी चार, इसका मतलब सर कितना आएगा, चार फैक्टोरियल अपॉन में कितना, चार माइनस में चार फैक्टोरियल बराबर कितना, आंसर कितना आ जाएगा, चार फैक्टोरियल, चार फैक्टोरियल को तुम चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो बहुत लोगों के डायरेक्ट भी आता होगा, क्योंकि सर अगर चार अवयव हैं एक दो तीन चार, तो क्या हो जाएगा, चार फैक्टोरियल, लेकिन मान लो अगर दो दो समुच्चय दे दे, एक दे दे ए एक दे दे बी, तब कैसे निकालोगे, तो उसके लिए तुमको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर ए से बी में एक एक ही फलनों की संख्या निकालनी है तो फॉर्मूला होता है एन पी एम, ठीक है, चलो पढ़ते हैं, ठीक है, क्रमचय ना,
तो n फैक्टोरियल अपॉन में क्या n माइनस r फैक्टोरियल, तो यह आ जाएगा 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का मान होता है 1, तो वो गायब हो जाएगा, बचेगा 4 फैक्टोरियल। इसका मान निकालोगे तो क्या लिखोगे सर, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है, तो 4 3 12, 12 दूना 24, ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 24, कुल सर 24 बनेंगे, कुल कितने बनेंगे 24, ठीक है, 24 एकैकी फलन बनेंगे समुच्चय इसमें। चलो ये बता दो, अब देखो सेम उसी तरह करना है, ये पूछा है कि यदि एक फलन f n से n में डिफाइन है तो एफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस 4 से परिभाषित हो तो f इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। देखो f इनवर्स x तो बना देंगे, लेकिन अगर तुमसे पूछे बताओ इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा कि नहीं, तो उस टाइम तुम देखोगे सर ये एकैकी और आच्छादी फलन है कि नहीं, क्योंकि अगर ये एकैकी आच्छादी फलन होगा तभी ये एक व्युत्क्रमणीय फलन होगा, तभी हम लोग इसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, बट फिलहाल इसका प्रतिलोम निकालना, तो प्रतिलोम तो हम सबका निकाल लेंगे, ये प्रतिलोम फलन हो जाएगा, प्रतिलोम फलन प्रतिलोम प्रतिबिंब सबका आ जाएगा, किसी का दिक्कत नहीं। लेकिन सर प्रतिलोम, अगर प्रतिलोम फलन की बात करें तब नहीं बन सकता है, क्योंकि सर ये एन से एन में डिफाइन है, एन से एन में डिफाइन है तब तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये प्रतिलोम बस पूछा कि एफ इनवर्स एक्स निकालो, मतलब प्रतिलोम प्रतिबिंब निकालो, तो वो तो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालते हैं सर, ये अगर ये एफ एक्स लिखा है सर, इसको लिख दीजिए वाई, ठीक है, क्या करेंगे जो ये एफ एक्स लिखा है ना इसको लिख दो वाई, अब हम क्या बोले इसको लिख दो 5x प्लस में 4, बढ़िया है ना। उसके बाद क्या करना बताए हम, बोले हैं कि x को एक तरफ रखा करो और y वाले नंबर को एक साइड करके एक बनाओ फलन y के टर्म में, तो जब तुम इस 4 को इधर भेजोगे तो हो जाएगा y माइनस 4 बटे में कितना आ जाएगा 5 बराबर कितना x, ठीक है। और हम क्या बोलते हैं जो हमारा जो फंक्शन बनता है y में, ठीक है, जो हमारा ये जो फंक्शन है ना y में, यही क्या होता है हमारा f इनवर्स x होता है, बस जहां पे तुम्हारा y है वहां पे x चिपका दो, वहां पे x चिपका दो, यही हमारा आंसर, x माइनस 4 बटे में कितना 5, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा f इनवर्स x बराबर x माइनस में 4 बटे में 5, ये जगह हमारा f इनवर्स x, ठीक है। चलो ये बता दो, अब इसका प्रतिलोम निकाल के दिखाओ, देखो कितने लोग कर पाते हो। लिखा है कि fx इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए, चलो इसका निकाल के दिखाओ, देखो कितने लोग कर पाते हो, इसका प्रतिलोम फलन निकालो फटाक से। देखो तरीका भाई है सर, ये एफएक्स है ना, ऐसे देखो किया होगे, देखो जो नहीं किया कर लो यार, ठीक है, मैं हमसे पहले कर लो फिर मिला लेना कि सर जी सही है कि नहीं, वीडियो को पॉज कर सकते हो, पॉज करके कर लो फिर देखना कि हाँ सर हम सही किए कि नहीं ना, उससे पता चलेगा हमको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, ठीक है, हम कितना पढ़े हैं ना। देखो ये हो जाएगा वाई बराबर कितना सर एक्स माइनस 1 अपॉन में कितना एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई करोगे सर हो जाएगा एक्स वाई प्लस में वाई बराबर कितना x माइनस 1, ठीक है, अब x वाले को एक तरफ कर लो, देखो हो जाएगा एक्स वाई माइनस में x बराबर कितना y माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया है। अब इसमें से कॉमन कर लो, इसमें से तुम x कॉमन करोगे बचेगा y माइनस 1, y माइनस 1, अरे वही आ गया क्या, कि मिस्टेक तो नहीं हो गया ना भैया, y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई प्लस में वाई आ जाएगा, अच्छा वाई है ना, ठीक है सही तो है, फिर इधर आएगा माइनस में एक्स हो जाएगा, एक्स कॉमन करेंगे वाई माइनस वन हो जाएगा, एक्स बराबर वन आ जाएगा, मतलब इसका प्रतिलोम हमको लग रहा है एक खुद ही है। चलो अच्छा तो यहाँ पे एक्स बराबर कितना आएगा, तो एक्स बराबर कितना आ गया, ये तो वन आ गया, वन रखने पे कितना आ जाएगा वन प्लस वन जीरो बटा टू, हमको लगा तो इसका प्रतिलोम यही यही कैसे आएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा होगा, एक सेकंड रुक जाओ, तो कहाँ मिस्टेक हो रहा है, वाई बराबर एक्स माइनस वन हो जाएगा, गुणा कर दोगे हो जाएगा तो वाई, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है, चलो यहाँ पे जब वाई जाएगा तो माइनस वाई होगा ना, ठीक है, देखो माइनस वन माइनस वाई होगा, हम भी करें कहाँ कट के वाई आ जा रहा है, एकदम सेम टू सेम वन कहाँ जा रहा है, कहीं मिस्टेक हो रहा था, देखो यहाँ जब कॉमन करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई माइनस वन, यहाँ पे कॉमन करो, यहाँ कर लो कॉमन माइनस, ठीक है, ठीक है, इस वाई को भेज दो नीचे, ठीक है, इतना हो जाएगा ना। अब देखो जो ऊपर जो माइनस है ना उसको नीचे भेज कर गुणा कर दो, तुमको पता है, देखो सबको पता है, देखो तुम माइनस में 3/4 लिखो या
तीन बटे माइनस चार लिखो, सबका मतलब सेम ही होता है, ठीक है। उस माइनस को तुम ऊपर लगाओ या बीच में लगाओ या नीचे लगाओ, उसको पढ़ेंगे माइनस में ही, मतलब माइनस में ही होता है ना। तो हम क्या किए, जो ऊपर से जो माइनस एक कॉमन किए थे उसको भेज दिए नीचे, इसको भेज दो नीचे तो गुणा हो जाएगा। तो x बराबर तुमको क्या मिल जाएगा, तुमको हमको लग रहा है भैया x बराबर मिल जाएगा 1 प्लस में y, ठीक है, गुणा करोगे तो 1 माइनस y हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा प्लस में, ठीक है। अब हम क्या बताएं, देखो ये जो होता है ये तुम्हारा क्या होता है, f इनवर्स x होता है, ठीक है। बस जहां पे y है वहां पे क्या चिपका दो, x, ये हमारा क्या आ गया, एफ इनवर्स एक्स आ गया, बस यही करेंगे, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आया होगा, एक बार सब लोग आराम से देख लो कि कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कैसे भेजना है। इसको उधर भेज दोगे, ठीक है, इसको इधर लेके चले आओगे, ठीक है। तो माइनस वन इंटू माइनस वाई हो जाएगा, स्टार्टिंग में लोग उसको प्लस वाई लिख दिए थे, गलती कर दिए थे, वो गलती हो जाता है कभी कभी, बट तुम लोग समझ गए होगे, बहुत लोग समझ भी गए होंगे, तो बस वही मिस्टेक था, सही करोगे आंसर वही आएगा। बस तुम्हें क्या करना है सर, y में चेंज करना है, y में चेंज करने के बाद सर जो फंक्शन बनेगा ना, y में चेंज करने के बाद जो फंक्शन बनेगा वही हमारा क्या होता है, f इनवर्स x होता है। बढ़िया, चलो इसको बताओ आराम से, क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है। क्या लिखा है, बोला कि माना a बराबर 1 2 है, तो इस पर, इस प्रकार समुच्चय पर कितने द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकती हैं, ठीक है। देखो आराम से लिखना कि द्विचर संक्रियाओं की संख्या, आराम से लिखो, ठीक है। पता है इसका फॉर्मूला क्या होगा, याद है, द्विचर संक्रियाओं की संख्या, द्विचर संक्रियाओं की संख्या कितनी होती है सर, इसर होती है n, n के पावर 2, क्या होती है n, n के पावर 2, n मतलब क्या सर, अवयव की संख्या। बताओ इसमें कितने अवयव सर, दो अवयव है सर, n का मान दो, दो के पावर 2, तो कितना हो जाएगा, दो के पावर 4, मतलब सर कितना, 16, आंसर कितना आ जाएगा, 16, बोलो, बढ़िया, ठीक है। देखो ये सब आराम से यार, एक एक नंबर क्वेश्चन है, आराम से कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर क्वेश्चन है, आराम से करो, आगे बढ़ो ना, बस तुमको सिंपल सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, सिंपल सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, और क्या ही पूछेगा, चलो ये बता दो, यही पूछा है, हाँ यही पूछा, चलो बता दो इसका आंसर, बता दो अब, इसका आंसर बता दो फटाक से, बोला है कि a बराबर 1 2 3 है, तो इस प्रकार समुच्चय पर कितने द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकती है, फटाक से बता दो कितने द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकती है इस पे। देखो वही लगा दो फॉर्मूला, ठीक है, लगाने मत लिख दो सर, इस जगह सर 2, सर 2 नहीं n होगा ना सर, n हो जाएगा n का स्क्वायर, बस इसे को सॉल्व करके देख लो कितना आता है, द्विचर संक्रिया है n का स्क्वायर, चलो n का मतलब सर कितना, 3, 3 के पावर कितना, 3 का स्क्वायर कितना का सर, 3 के पावर 9, ठीक है, 3 के पावर 9, बस ये तुम्हारा आंसर, ठीक है, चलो ओके यार, उम्मीद करेंगे देखो सबको समझ में आएगा, सबको अच्छा भी लगा होगा, सभी लोग देखो प्रैक्टिस करना, इतना देखो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाए हैं। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम हर बार कहते हैं, इस बार भी कह रहे हैं, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाया करो, ठीक है, जिससे अगर हम आगे कभी इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करवाएं तो उस क्वेश्चन को तुमको हम बता दें, जिसको जिस क्वेश्चन को तुम पूछना चाहते हो, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता है, बस वो उस चैप्टर का होना चाहिए ना, ये अगर तुम बाद में कभी कम्प्लीट कर दोगे किसी दूसरे चैप्टर का भी, तो उसको हम बता देंगे, लेकिन जब हम उस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे तभी बताएंगे ना, बट हम ये कहेंगे लेकिन उसको पूछा करो, ठीक है, बर्दाश्त मत क्या करो, पूछ लिया करो, हम बता देंगे, ठीक है, चलो। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और तो किसी को भी बैच ज्वाइन करना होगा, कुछ भी करना होगा, तुम लोग चाहते हो यार अच्छे से पढ़ना, तो देखो हम तो कहेंगे बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, आराम से देखो अब पढ़ सकते हो, ठीक है। अब टाइम देखो तुम्हारे पास नहीं है, अगर तुम्हें लगता है कि सर टाइम मेरे पास है, अभी तो हम जुलाई से पढ़ेंगे, अगस्त से पढ़ेंगे, तो कोई बात नहीं है, बट लेकिन हम उन सबसे बोलना चाहेंगे जिनको लगता है सर अभी से ही हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना स्टार्ट कर दे, अभी मेरे पास टाइम है, स्कूल भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा, तो आराम से हम लोग एक दो महीने में बहुत कुछ सीख जाएंगे, स्कूल से आगे पहुंच जाएंगे, जब तक स्कूल में सिलेबस कंप्लीट होगा तब, मतलब कंप्लीट होगा तब तक हम दो बार तीन बार रिविजन कर चुके होंगे, ठीक है। तो इतना जरूर ध्यान देना ना, इतना जरूर ध्यान देंगे सर जी, हम लोग को अच्छे से पढ़ना है।
अच्छे से एकदम, ठीक है, एकदम बढ़िया से, एकदम मस्त तरीके से। तो अभी से थोड़ा थोड़ा करना पढ़ना स्टार्ट करो, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो तुमको यहाँ देना यहाँ दो, ठीक है। तुमको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि तुमको कोचिंग जाना है, ठीक है, मुंह धुलना है, रास्ते में जाना है, टाइम लगेगा, आने में टाइम लगेगा, सब तुम्हारा टाइम बचेगा और उस टाइम को तुम परफेक्ट यूज कर पाओगे, ठीक है। जो समझना है समझ सकते हो, ठीक है, मेरा काम बताना, तुमको तुम्हारा काम सुनना, उसको अप्लाई करना, उसको लेना, उसको नहीं लेना तुम्हारे पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा काम करना है बताना, ठीक है। बता दिए हैं, अब तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, ठीक है। बट हम ये कहेंगे देखो पढ़ लो, बोर्ड है हल्के मत लेना कि आराम से हो जाएगा। वैसे देखो तुम लोग को पता ही है क्या चल रहा है इस टाइम, ठीक है, सिचुएशन, तो तुमको यार अच्छे से खुद से पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ना। और इस बात में तुमको हर एक चीज़ मिलेगा, जो तुम चाहते हो वो भी मिलेगा, जो तुम नहीं चाहते हो तुमको वो भी उसमें मिलेगा, और बहुत अच्छे ढंग से एकदम पूरा सिक्वेंस के साथ मिलेगा कि तुम हर एक चीज का नोट्स बना सको, उसे पढ़ सको, उसे रिवाइज कर सको, उसे सीख सको, ठीक है। चलो तो आई होप कि सभी लोग अच्छे से पढ़ोगे अब, ठीक है, थोड़ा घूमना फिरना कम करोगे, थोड़ा बतियाना कम करोगे, और बाकी तुम लोग मिलते रहेंगे, देखते रहेंगे, समझते रहेंगे और बात भी करते रहेंगे, बताते भी रहेंगे सबको, ठीक है। चलो ये नंबर है, देखो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, नंबर है 930, ठीक है, 577 1375, ठीक है, ये नंबर है, आराम से कॉल कर लो, ठीक है, 9305771375, ठीक है, नंबर तुम्हारे स्क्रीन पे भी होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से कॉल करके बैच को ज्वाइन करना कर सकते हो, या जो भी तुम्हें कुछ डाउट होगा, जो भी तुम्हें कुछ पूछना उसको पूछ सकते हो। चलो।